नमस्कार, मैं हूं सबा खान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। भारत में भी यूके वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। ब्रिटेन से लौटने वाले 6 मरीज इस म्यूटेंट कोरोना वायरस में संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी लोगों को सिंगल आइसोलेशन रूम में रखा गया है। इनके संपर्क में आए करीबी लोगों को भी क्वारंटीन में रखा गया है। बता दें, कुल 33,000 यात्री यूके से भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच आए थे, जिनमें से अभी तक 114 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनके सैंपल को जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो 6 में नया स्ट्रेन मिला। आपको बता दें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 20 दिसंबर को घोषणा की थी कि ब्रिटेन में लंदन सहित कई इलाकों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है जो पहले से ज्यादा संक्रामक है। ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों से तेजी से संक्रमण बढ़ा भी था, जिसके बाद वहां तुरंत यूके के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया। वायरस की जानकारी मिलने के एक दिन बाद ही भारत ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगाने की घोषणा कर दी थी। यह बैन 22 दिसंबर की रात 12 बजे से 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक लागू किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वायरस को देखते हुए यूके से लौट रहे लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर भी जारी किया था। इसके तहत एयरपोर्ट पर ही यूके से लौट रहे यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा था। पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को बिल्कुल अलग आइसोलेशन में रखा जा रहा था। वहीं इनके अंदर से मिले वायरस को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे के नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजा जा रहा था। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। एक मिनट हमारे साथ।